मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर कितने चलिए। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बड़ी आसानी से ऐसे शेडो वीडियो बनाना सिखाऊंगा जो कि आपको बन क्लिक में कैसे क्या एडिटिंग करना है इसके बारे में पूरी प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ जो कि इस चैनल पर। तो कैसे क्या एडिटिंग करना है जो कि पूरी प्रोसेस बताऊंगा मैं इसको इस वीडियो में जो कि काइनमास्टर। और अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं पर काइनमास्टर में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइनमास्टर में आने के बाद क्या करना गाइस, आपको प्लस के आइकन क्लिक करके और आपको ये 3.4 वाला फ्रेम चूज कर लेना है। इस पर क्या होगा, आज अपन इस पर कुछ स्टेटस बनाएंगे जो कि अच्छी वाली, ठीक है ना। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसी सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस एडिटिंग पर क्लिक करना है। एडिटिंग पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको फिल पर क्लिक कर लेना है, फिल स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना है, आपको इस पर बैक आ जाना है। और गाइस इसके बाद क्या करना, गाइस आपको इस लाइट रूम से मैंने जो फोटो एडिटिंग करे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो गाइस मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, आप चैनल पर जाके उसको देख लीजिए, ठीक ना। तो आपको ऐसे कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेना है जो कि बड़ी आसानी से आपको, अगर आप कमेंट करते हो तो गाइस मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देख सकते हो मैंने ये फोटो पूरा एडिटिंग कर रखा है ऑलरेडी, देख सकते हो कुछ अपने मस्त फोटो लग रहे हैं जो कि गाइस मैंने लाइट रूम से कुछ एडिटिंग करा है। इसके ऊपर एक वीडियो भी मैंने बनाया ताकि आप वहाँ से वो वीडियो लेके देख सकते हो, ठीक ना। तो अब इसके बाद क्या करना गाइस, इस फोटो पे क्लिक करना है। फोटो पे क्लिक लिखा है क्लिप कैप्चरिंग से, तो गाइस इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल एनिमेशन का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आपके में ये ऑल एनिमेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा तो इस होम का ऑप्शन पे आपको जाके यहाँ से इस ऑप्शन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक ना। तो गाइस जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, अपन इस पे ऑल एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे गाइस, इसमें अलग अलग टाइप के फ्रेम लगाएंगे। तो देख सकते हो इसमें बहुत सारे आपको फ्रेम मिल जाएंगे जो कि बड़ी आसान से ऑल एनिमेशन में देख सकते हो, इतने सारे फ्रेम हैं जो कि आपको और अदर ऐप मतलब कि अदर इफेक्ट लेने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको हर एक में यही एनिमेशन लगाना है ताकि आपकी वीडियो अलग अलग टाइप की लगा लेना आपके मनपसंद। तो गाइस मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ ताकि अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो गाइस कहना मैंने सभी में इफेक्ट लगा लिए जो कि मैंने आपको ऐसा स्क्रीन पे दिखाया था, देख सकते हो ये सभी इफेक्ट मैंने लगा लिए। जो कुछ अपना इफेक्ट ये ऐसा वाला आएगा और इसमें कुछ ऐसा वाला आएगा जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करना गाइस, इस फोटो पे क्लिक करना और आपको थोड़ा इन फोटो को छोटा कर लेना है ताकि अपनी जब भी अपन कोई इस वीडियो को चलाएंगे तो अपनी वीडियो में दिक्कत ना आए, ताकि अपनी फोटो जल्दी जल्दी निकलेंगे तो इससे वीडियो क्या होगी अपनी अच्छी लगे, ठीक ना। तो ऐसे आपको सभी को स्किप करके और आपके हिसाब से आपको छोटा कर लेना, आपको कितने फास्ट फोटो निकालना है। तो मैं आपको थोड़ा वीडियो चला के दिखा देता हूँ, कुछ अपने ऐसे वीडियो निकलेगी, इसके बाद सेकंड फोटो आएगा और कुछ ऐसे निकलेगा, ठीक ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्या गाइस, आपको लेयर पर जाना, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है। मीडिया का ऑप्शन क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना, आपको एक इफेक्ट मिलेगा जो कि आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गाइस। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो कैसे डाउनलोड करना वो बता दूंगा। तो आपको इस पर क्लिक करना और आपको क्या करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देना। तो आपको इसका ऐसे स्किप करके और आपको स्क्रीन पे कर देना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद क्या करना, आपको इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन देखा देख सकते हो। तो मैंने ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे जाकर और इसका स्क्रीन कर दिया, तो इसका क्या होगा, इसमें देख सकते हो अपना इफेक्ट लग गया है जो कि लाइट इफेक्ट टाइप का आएगा जो कि अच्छा लगता है इससे वीडियो, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से लेयर पे जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक करना, जो कि आए गाइस अपन इसमें लिखाने वाला सॉन्ग यूज़ करेंगे जो कि बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक ना। तो ये वाला कर लेते हैं अपन, ये वाला जो कि मैंने आपको सुनाया अभी गाइस। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मांगते हो तो मैं ये भी दे दूंगा। तो इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस पर क्लिक करना और आपको इस पर एक क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। पहले थोड़ा अपन इसका क्रॉप करेंगे, इतना क्रॉप करने के बाद ऐसे क्रॉप कर लेना। इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से इसे क्लिक करना और सेम प्रोसेस कर देना है। तो इसका क्या होगा गाइस, ये ब्लैक पार्ट हट जाएगा जो कि ब्लेंडिंग के जाकर और स्क्रीन कर देना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इसका ऐसे रोटेशन थोड़ा कर लेना है ताकि अपनी वीडियो अच्छी लगे। तो अपन देख सकते हो अपना ये रोटेशन कर लिया था, अपनी वीडियो कुछ अच्छी लगने लगी। तो गाइस मैं थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ, तो देख सकते हो अपना ये वीडियो कुछ अभी ऐसा लग रहा है, मैं चला के भी आपको दिखाऊंगा। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से सिर्फ क्लिक करना है लेयर पे, फिर से मीडिया के ऑप्शन पे जाना है, जो कि अपन एक और लाइट इफेक्ट और लगा लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छी वीडियो लगेगी जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो ए वाला लाइट इफेक्ट भी अपन लगा लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको नीचे इस पर नहीं करना, आपको नीचे जाना वही ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाने के बाद इसका स्क्रीन कर देना है, ठीक है ना। तो ऐसा स्क्रीन कर देना, स्क्रीन करने के बाद क्या करना गाइस, आपको इसको रोटेशन करके इतना लगा लेना, ठीक ना।
तो देख सकते हो अपने गाने पर आ रहा है। इसके बाद क्या करना, आपको थ्री डॉट पे जाना, सेंड टू बैक कर देना। सेंड टू बैक करने के बाद क्या होगा गाइस, थोड़ा अपन इसको रोटेशन कर लेते हैं, ठीक ना। तो देख सकते हो ऐसा अपन को कुछ कर लेना है, तो अपन देख लेते हैं कैसा लग रहा। तो गाइस इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से शिफ्ट क्लिक करना, अपन थोड़ा और इतना कर लेते हैं। तो अपन देख लेते हैं, अपना बेकार तो नहीं दिख रहा, थोड़ा यहाँ पे अपना ऐसे लग रहा है जैसे कि अलग से इफेक्ट लगाया हो। तो अदर गाइस ऐसा लगता है तो आपको क्या करना गाइस, आपको नीचे जाना है क्रॉपिंग के ऑप्शन पे, इसे एनेबल करने के बाद इसको थोड़ा ऐसे कर देना ताकि आपको ऐसे नहीं लगेगा अपने इस फ्रेम को अलग से यूज़ किया, ठीक ना। तो इसको इतना स्किप कर दें, फिर से स्किप क्लिक करना और आपको इस थ्री डॉट पे जाना। थ्री डॉट पे जाने के बाद एक और डुप्लीकेट कर लेना, इसको डुप्लीकेट करने के बाद क्या करना, आपको पूरी वीडियो पे लगाना, तो आपको इसको स्किप कर देना थोड़ा कहाँगा, ठीक ना। तो देख सकते हो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो कि लाइव स्क्रीन पे, तो देख सकते हो अपन ने ये कर लिया। अब मैं आपको वीडियो चला के दिखा देता हूँ अपनी वीडियो कुछ कैसी एडिट। तो देख सकते हो गाइस अपनी वीडियो बड़ी आसान ट्रिक के साथ, जो कि मैंने आपको जैसा दिखाया वैसी अपनी वीडियो एडिटिंग हो गई है, ठीक ना। तो गाइस ऐसी वीडियो जो कि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग लाता रहता हूँ इस चैनल पे, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।